कांग्रेस पर गिरा पहाड़। उनकी हितैषी उर्मिला मातेंडकर, वही उर्मिला मातेंडकर जो कि युवा की धड़कन है। कांग्रेस एक विरोधी पार्टी है। अभी हाल में ही चुनाव से हुई हार, कांग्रेस के सारे प्रवक्ता सदमे में हैं और पार्टी को छोड़कर जाने लगे। इन्हीं में से एक है उर्मिला मातेंडकर। उन्होंने भी मंगलवार को कांग्रेस को इस्तीफा दे दिया। अभी कांग्रेस इस बात से पूर्ण रूप से उभरी भी नहीं थी कि तभी अचानक कांग्रेस के ऊपर एक और विपदा आ गिरी। पूर्व मंत्री कृपा शंकर जी ने भी कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान कर दिया है। उर्मिला ने बताया कि उन्हें पार्टी में गुटबाजी पसंद नहीं थी। फिलहाल में पार्टी में बहुत ज्यादा ही गुटबाजी चल रही है, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को इस्तीफा दिया। और वहीं कृपा शंकर जी ने कहा कि उन्हें अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस ने काफी रूखापन दिखाया जो कि उन्हें पसंद नहीं। उन्होंने बताया कि विरोधी पार्टी होने का मतलब यह नहीं है कि आप सही को गलत बताएं और जो सही है वो सही है। अब तो कांग्रेस को समझ जाना चाहिए कि किसी का बुरा करने या सोचने से अपना ही बुरा होता है। अगर कांग्रेस ऐसा ही करती रही तो कुछ ही दिनों में सभी प्रवक्ता कांग्रेस को इस्तीफा दे देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।